प्रभु यीशु के नाम में प्यारो आप सभी का आज की चर्च सर्विस में हम स्वागत करते हैं। आइए हमारी आंखों को बंद करें और दुआ में जाए, परमेश्वर की सहायता मांगे। प्यार परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम में आज आपके चरणों में आते हैं। हम प्रभु धन्यवाद देते आज का ये अवसर आपने हमें दिया आपकी आराधना करने के लिए और आपके नाम को महिमा देने के लिए। हम इस अवसर के लिए आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। हम जीवित हैं, आपकी महान कृपा का प्रतिफल है प्रभु। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद, आपकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद। आए अपना हाथों को उठाए प्यारो, प्रभु को कहे प्रभु तेरी सुरक्षा के लिए धन्यवाद। हम असुरक्षित इसलिए नहीं है कि हम केयर ले रहे हैं, हम इसलिए सुरक्षित नहीं है कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, हम इसलिए सुरक्षित है क्योंकि यीशु हमारे साथ है। हालेलुया, हाथों को उठाए और प्रभु को कहे प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी सुरक्षा के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। पिछले समय में प्यारो प्रभु ने हमारी सुरक्षा की, हमारी जरूरतों को पूरा किया, प्रभु ने हमारे हर एक पुकार को सुना प्यारो। जब भी हमने प्रभु से पुकारा, उन्होंने हमारे पुकारों को सुनकर जवाब दिया। प्रभु से कहे प्रभु तेरा धन्यवाद। वो हर एक संकट के समय में हाजरा जूर मददगार हमारा बना प्यारो, वो हाजिर रहा प्यारो। संकट के समय में वो ऐसा परमेश्वर नहीं था जो कहीं पर हमें छोड़कर चला जाए या तो हमसे दूर हो जाए। संकट के दिनों में वो हमारे साथ रहने वाला खुदावंत है प्यारो। संकट के दिनों में हमें संभालने वाला वो प्रभु है। कहे प्रभु से प्रभु तेरा धन्यवाद। जैसे माँ और बाप अपने बच्चों को संभालते हैं, उनकी दृष्टि अपने बच्चे पर हमेशा रहती है, वैसे ही हमारा खुदा है, वो हमारा स्वर्गीय पिता है जिसकी दृष्टि हमारे ऊपर हमेशा रही है। हालेलुया, कहे प्रभु से तेरा धन्यवाद। मेरी क्या परमेश्वर औकात है, मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी नहीं प्रभु, लेकिन फिर भी आपकी दृष्टि मुझ पर हमेशा बनी रही है प्रभु। परमेश्वर का वचन कहता है प्रजाओं की प्रजा वो भी प्रभु की दृष्टि में नल में से जो पानी की बूंदे गिरती है उसके समान है। प्रजाओं की प्रजा भी प्रभु के आगे कुछ नहीं है तो हम कौन प्यारो। इतनी बड़ी सृष्टि में एक छोटे से जीव, लेकिन प्रभु की दृष्टि हमारे ऊपर भी है। हे प्रभु से प्रभु तेरा धन्यवाद। आपकी दृष्टि मुझ पर हमेशा आपने रखी है, बनाए रखी है। मेरी छोटे से छोटी जरूरतों की भी आपने केयर ली है, प्रभु तेरा धन्यवाद। प्यारे पिता, सुबह हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी भलाई को हम याद करना चाहते हैं, आपकी कृपा और दया को हम याद करना चाहते हैं और आपके नाम को हम ऊंचा उठाना चाहते हैं। हमें अनुग्रह दीजिए प्रभु, आपके उपकारों को याद करके आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए। यीशु मसीह के नाम से हमारी दुआ है। इस समय के विरुद्ध कार्यरत हर एक दुष्टात्मा और शैतान के कामों को बांधते हैं, तोड़ते हैं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में निष्फल करते हैं। पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करिए, परमेश्वर की हुजूरी में जाकर उनकी आराधना करने के लिए। पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें, यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। आई प्यारो प्रभु को धन्यवाद दे जो हमारा शरण स्थान है प्यारो। सॉन्ग्स ऑफ प्रेस पुस्तिका अगर आपके पास है तो 45 नंबर का गाना है, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा घर है, संकट में यीशु तू मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। वो हमारा शरण स्थान और हमारा घर है प्यारो। घर उसे बोलते हैं जिसके तले हम आश्रय ले सकते हैं प्यारो। संकट के समय में घर ही एकमात्र सुरक्षा होती है प्यारो, और प्रभु यीशु हमारा घर है। हालेलुया, आए प्रभु को धन्यवाद देते हुए गाना गाएं। Oh,
वो हमारा बचाने वाला है। हालेलुया, उद्धार देने वाला सिर्फ एक ही नाम है संसार में, क्योंकि उसने पापों की कीमत अदा की है, चुकाई है, और वो हमारा यीशु है। हाथों को उठाए कहे, यीशु तू मेरा उद्धारक है, प्रभु तू मेरी चंगाई है। चंगाई के लिए भी प्रभु यीशु ने प्यारो हमारे लिए कीमत चुकाई है। संकट में सामर्थ है तू मेरा प्रभु। आए प्रभु को महिमा देते हुए गाए, उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ है मेरा यीशु, उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई करूँ
प्रभु मैं यहाँ हूँ आपकी उपस्थिति में, जो मेरा चरवाहा है, जो संकट के समय में मेरी सुरक्षा और ढाल है वो यीशु आपके चरणों में मैं आया हूँ। हाथों को उठाकर कहे प्रभु मैं धन्यवाद की भेंट आपके चरणों में लाता हूँ, आपने मेरे चरवाहा बनकर मुझे सुरक्षा प्रदान की है, मेरी जरूरतों को पूरा किया है। संकट के दिनों में ऐसा दोस्त आप नहीं बने जो छोड़कर चला जाए, आप ऐसा दोस्त बने हो जो संकट की घड़ी में मेरे साथ खड़ा रहे, कभी ना छोड़े, कभी ना त्यागे। प्रभु तू ऐसा मेरा शरण स्थान है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तू मेरा शरण स्थान यीशु, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा तो मेरा यीशु आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, सिर्फ तेरी सेवा करूंगा मैं सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्यारों वो हमारा शरण स्थान है। आइए और एक गाना प्रभु को धन्यवाद देते हुए गाएं। यीशु तू परम प्रधान है, तू ही सर्वदास है, कल और आज युगानुयुग यीशु, ऊंची आवाज में कहे एक सा है, कल और आज युगानुयुग यीशु कैसा है, बोले एक सा है। हालेलुया, वो कभी भी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया, आए वो प्रभु को धन्यवाद देते हुए गाना गाए, यीशु तो परम प्रधान है। और प्यारो ये गाना हम आज इसलिए गाते हैं, मोस्टली ऐसे गाने हम तब गाते हैं ईस्टर हो, रिजरेक्शन डे हो, ऐसे मौके पर नहीं। हम आज इसलिए गाते हैं पाम संडे के अवसर पर भी, आज का ये जो दिन है वो दिन प्रभु यीशु यरूशलेम में दाखिल हुए थे और उसे विजयवंत प्रवेश कहा जाता है। और आज से लेकर एक वीक तक मसीही लोग बड़े शौक में रहेंगे, दुख में रहेंगे, जैसे उनके ऊपर आब टूट पड़ा हो, क्योंकि ये पूरा वीक प्रभु यीशु के जीवन का आखिरी सप्ताह था। लेकिन प्यारो आज प्रभु यीशु क्रूस पर नहीं है, आज प्रभु यीशु जी उठे हैं। हालेलुया, और इसलिए हम ये समझ के साथ ये सप्ताह में दाखिल होना चाहते हैं कि मैं दुख सहन सप्ताह में दाखिल नहीं हो रहा हूँ, दुख तो मेरे यीशु ने सह लिया है, मैं विजयवंत सप्ताह में दाखिल होने जा रहा हूँ। हालेलुया, यीशु ने हमारे लिए विजय हासिल कर ली है, वो मृत्यु से जी उठे। हालेलुया, और वो कल और आज और युगानुयुग एक सा है। आयु से महिमा देते हुए गाना गाए,
धन्यवाद दे प्रभु से कहे यीशु तू जिंदा खुदा है तू उदयाचल से लेकर अस्त चल तक स्तुति के योग्य है क्योंकि तेरे काम इतने महान हैं यीशु तूने मृत्यु को भी हरा दिया ये सप्ताह दुख सहन सप्ताह नहीं है क्योंकि यीशु ने दुख तो झेल लिया है सह लिया है ये तो विजय बस सप्ताह है क्योंकि यीशु जी उठा है यीशु जिंदा है हालेलुया आपके लिए प्यारो आशा है कि आपका यीशु जिंदा खुदा है यीशु जिंदा 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 है मेरा यीशु जिंदा है उठाए प्रभु को महिमा देते हुए कहा यीशु यीशु जिंदा है यीशु जिंदा है यीशु जिंदा है यीशु जिंदा है
आखिरी गाना हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए गाना चाहते हैं। प्यारो, यीशु ने जो कीमत चुकाई है वो हमारे लिए आशीष का कारण बनी है। हालेलुया। जो भी कीमत हमें चुकानी थी वो यीशु ने चुकाई, और उसके कोड़े खाने से, उसके मार खाने से, उसके कीमत चुकाने से हमने सीफा मतलब छुटकारा पाया है। आइए गाना प्रभु को महिमा देते हुए गाए, तेरे मार खाने से यीशु मैंने सीफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। हाँ जरूर प्यारो, हमने जो पाया है वो मुक्त में पाया है, लेकिन किसी ने उसके लिए कीमत चुकाई है। आज हमें कोई तप तपस्या या कीमत नहीं चुकानी पड़ती प्यारो, क्योंकि जो भी कीमत चुकानी थी यीशु ने क्रूस पर चुका दी। हालेलुया। हाथों को उठाए और प्रभु से कहे, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मेरे बदले और मेरे लिए कीमत चुकाई। जो कीमत मुझे चुकानी थी पापों की, गुनाहों की शिक्षा के रूप में, वो यीशु तूने चुका दी। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। ये तो प्यारो ऐसा हुआ, किसी गुनहगार को फांसी की या मृत्यु दंड की सजा हुई है और वो मृत्यु दंड कोई और ले ले, बस यीशु ने हमारे मृत्यु दंड को, वो दंड को, सजा को क्रूस पर ले लिया। इस दुनिया के संसार के इतने सारे पाप थे कि उसकी एक ही शिक्षा थी और वो मृत्यु, और वो ही यीशु को आज हम धन्यवाद देते हुए कहना चाहते, यीशु तेरा धन्यवाद, तेरे मार खाने से, तेरे कीमत चुकाने से मैंने सीफा, छुटकारा और चंगाई पाई। आमेन। Radhika
सिर्फ और सिर्फ तेरी है, ये जिंदगी के ऊपर तेरा अधिकार है, क्योंकि तूने कीमत देकर मुझे मोल लेकर प्रभु अपना बना लिया है। मेरे बदले आपने कीमत चुका है, मैं मेरा नहीं हूँ यीशु, मैं आपका हूँ। ये जिंदगी अब तेरी अमानत है यीशु, आई विल नेवर लूज अगेन। ये जिंदगी यीशु जी होती तो मैं जो आज पा रहा हूं वो मेरे पास नहीं होता, ना ही उद्धार की आशा, ना ही छुटकारे की आशा, ना ही चंगाई, ना ही दुष्ट आत्माओं से छुटकारा, कुछ भी मेरे पास नहीं होता। अगर यीशु आपने मेरे बदले कीमत ना चुकाई होती, मेरे पास अनंत जीवन की भी आशा नहीं होती। हाथों को उठा करके यीशु तेरा धन्यवाद, मार खाने से यीशु मैंने सिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। यीशु आपके कारण हम छुड़ाए गए, आपने हमें रिहा किया, आपने हमें आजाद किया। हम आपके नाम का धन्यवाद करते, हमारी धन्यवाद की बेटों को, हमारे मोक्षदाता उद्धारक यीशु मसीह आपके चरणों में मिलाते हैं। प्रभु यीशु आपके नाम में हमारी धन्यवाद की बेटों को आप कबूल करिए। आमीन और आमीन।